तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या होटल का वाईफाई या एयरपोर्ट का वाईफाई सेफ होता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई का आनंद ले रहा था। बोल रहे थे सागर भाई, आप तो हैकर हो, आप तो यूट्यूबर हो, आपका डेटा कीमती है, तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, मतलब वहाँ का वाईफाई क्यों यूज़ कर रहे हो आप। तो आज इस चीज़ के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आई नो व्यू बहुत अच्छा है, छुट्टी पे हूँ, छुट्टी की ज़रूरत होती है, हम लोग बहुत एक कमरे में बैठकर काम करते हैं, तो थोड़ा सा यू नो पर्यावरण को देखना, नेचर के और ज़्यादा क्लोज जाना तो अच्छा लगता है। खैर, व्लॉग्स आएंगे, आप सागर की वाणी पर देख सकते हैं, फिलहाल हम व्लॉग्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो भाई क्या होता है कि दो तरह के कनेक्शन होते हैं, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। जो ये सिक्योर वाला प्रोटोकॉल होता है ये ज़्यादातर वेबसाइट्स में यूज़ होता है, और ये सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड होता है, मतलब आपकी जो ट्रैफिक है वो इनक्रिप्टेड है और वो इनक्रिप्टेड पैकेट्स में जा रही है, या जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है। तो वहाँ पर जो भी डेटा आप सर्व कर रहे हो, आपके डिवाइस में आ रहा है, जैसे कोई वेबसाइट फेसबुक सर्व कर रहे हो, तो वो सिक्योरली आ रही है, और बीच में उसको मैन इन द मिडल से या किसी तरीके से कोई पढ़ नहीं सकता, खुद आपका नेटवर्क प्रोवाइडर भी नहीं। इससे सवाल उठता है कि नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे बारे में क्या जानता है या हमारी क्या क्या चीज़ें वो पढ़ सकता है, उसकी चीज़ के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो और जो HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता, उसमें पैकेट्स बीच में इंटरप्ट किए जा सकते हैं, इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं, और वो सिक्योर नहीं है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड पुराना हो चुका है। कुछ वेबसाइट्स अभी भी उसको इस्तेमाल करती हैं, बट वहाँ पर आपने देखा होगा कि जितनी भी HTTP वाली वेबसाइट होती है वहाँ पर बैंकिंग, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या कुछ भी डालने से मना किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पर उस वेबसाइट पर कोई भी जो डेटा डाला जा रहा है उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसलिए हमेशा जब भी बैंकिंग करनी है, मनी रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो वो आपको सिर्फ HTTPS वेबसाइट पे करना है। तो अगर आप होटल का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, HTTPS कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आप सिक्योर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, आप क्या सर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो किसी वेबसाइट पर जाकर ये पता नहीं लगा जा सकता, लेकिन आप किस वेबसाइट पर जा रहे हो ये आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को पता होता है, और बहुत सारी चीज़ों से, जैसे आपका डिवाइस की आईडी, आपका आईपी एड्रेस, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कैलकुलेटेड एक गेस किया जा सकता है कि भाई आप कर क्या रहे हो, कितनी देर किस वेब पेज पर रहते हो, कितना आपका क्लिकिंग बिहेवियर है, जो भी है, उससे आपके बारे में काफ़ी जानकारी पता वो लगा सकता है। और नेटवर्क प्रोवाइडर के पास और बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं, क्योंकि भाई सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विस को वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। HTTPS होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपकी पता लगा जा सकती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप होटल वाईफाई और एयरपोर्ट वाईफाई पर एक VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब एक टनल होता है जो आपको आपके ट्रैफिक को और ज़्यादा सिक्योर कर देता है, और आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को भी नहीं पता होता कि आप क्या सर्व कर रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कई ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, जो प्ले स्टोर पर नहीं है या जो ऐसे भी इस्तेमाल करते हो, अब उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो HTTPS यूज़ कर रहे हैं या HTTP यूज़ कर रहे हैं। ऐसे केस में वो एप्लीकेशन आपने बनाई नहीं है तो आपको पता नहीं है कि भाई वो डेटा को सिक्योर रख रही है नहीं, तो वो एप्लीकेशन का अलग फंडा है। मैं यहाँ पर वेब ब्राउजिंग की बात कर रहा हूँ, और आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज़ करके यूट्यूब पर कुछ अपलोड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो सिक्योर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उनकी वाईफाई की सिक्योरिटी, मतलब वाईफाई में स्नूपिंग वगैरह ये सब नहीं होती है। माफ़ करना अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक्सटर्नल माइक को इस्तेमाल करने की, बट अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब आती है तो आप थोड़ा सा बेयर कर लेना, क्योंकि अब मैं भगवान को ये तो बोल नहीं सकता ना कि थोड़ी सी हवा कम कर दो, और नीचे के क्लोज भी रहना है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपके होटल का और एयरपोर्ट का वाईफाई कितना सिक्योर होता है, कैसे आप अपना डेटा बचा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हो, एथिकल हैकर बनना चाहते हो जो कि एक लीगल प्रोफेशन होता है पूरी दुनिया में, तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड